परिस्थितियों में किसी मरीज की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। यदि कोई मरीज हृदयाघात की परिस्थितियों में पड़ा हुआ है और अचानक आपके सामने आ जाए तो आप उसे CPR देकर बचा सकते हैं, लेकिन CPR कैसे दिया जाए इस विषय में आम आदमी को बताने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस 21 सितंबर को सुबह सुबह जबलपुर हॉस्पिटल में आम लोगों के बीच विशेषज्ञों ने उन्हें CPR देने के विषय में बताया कि आखिर किस तरीके से CPR दिया जाए। इस मौके पर डॉक्टर भाविक धीरावाणी ने बताया कि किस तरीके से CPR दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक मरीज को CPR देने के लिए कम से कम उसके स्टर्नल बोन में हाथों से बताए गए नियम के अनुसार लगभग 120 स्टेप दिए जाते हैं। इतने पुश देने के बाद व्यक्ति को होश में आ जाना चाहिए। सामान्य रूप से उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है, जिसमें आज CPR कैसे दिया जाए इस विषय में लोगों को बताया गया, जिसमें लगभग 150 लोग शामिल हुए। इसमें वकील, पुलिस के कर्मचारी और नर्सिंग से जुड़े छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे। आम लोगों को भी इस बात की जानकारी दी गई कि CPR किस तरह से दिया जाना चाहिए। जी सर, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। बताइए, एक जीवन रक्षा कार्यक्रम है जो हमारे आम जनता को और इसी के मद्देनजर हम लोग अच्छा लगता है आम जनता इसकी कैसे आम जनता को मरीज आपको रास्ते मिलता है और हमें भी आपको मिलता है तो आप उसका आम कार्यशाला के अंदर बहुत ही सफलता को बताना चाहिए और ये कार्यशाला में सिर्फ बिल्कुल आज की इस कार्यशाला में लगभग कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? सब लोगों ने इसका आज 20 सितंबर को जबलपुर अस्पताल में CPR वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। यह आयोजन RSSCI की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 21 और 22 तारीख को, उसके सानिध्य में किया गया है, जहाँ पर हार्ट रिवाइव फाउंडेशन जो मुंबई का एक NGO है वहाँ से असिस्टेंट के लिए स्पेशल ट्रेनर आए हैं, जिन्होंने आम जनता को यहाँ पर CPR के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। CPR एक ऐसी तकनीक है जिससे कार्डियक अरेस्ट के बाद आप अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो अगर उसको 3 मिनट के भीतर CPR मिल जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसी की ट्रेनिंग करने के लिए स्पेशल ट्रेनर आए थे और ऑलमोस्ट 200 से अधिक प्रतिभागियों ने CPR का प्रशिक्षण लिया। CPR कार्डियक परमानेंट रेसुसिटेशन होता है, तब दिया जाता है जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली तब होता है जब हृदय की धड़कन बंद हो जाती है और शरीर का में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। ऐसा करने पे अगर कोई बायस्टैंडर है, मतलब अगर कोई आजू बाजू का व्यक्ति मौजूद है तो उसको अगर CPR आता है तो तुरंत CPR का स्किल यूज करके व्यक्ति को बचा सकता है। CPR देने पे ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 गुना अधिक चांस हो जाता है व्यक्ति के बचने का। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको जमीन पे आपके सामने अगर कोई व्यक्ति गिर गया तो आपको जैसे मैडम ने बताया अपने वर्कशॉप में 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या व्यक्ति को होश है, दूसरा ये देखना है कि क्या उसकी सांस चल रही है, और ये दोनों चीज़ें ना मिलने पे इसको ये डिक्लेयर करना है कि कार्डियक अरेस्ट पाया गया है। इसके बाद एक फ्लैट सर्फेस पे पेशेंट को लिटाना है, खुद की सेफ्टी के लिए एक सेफ जगह चुननी है और फिर CPR स्टार्ट करना है। CPR देने पड़ते हैं और ये तब तक दिया जाता है जब तक कोई हेल्प के लिए एम्बुलेंस ना आ जाए या व्यक्ति को होश ना आ जाए। कोशिश ये करनी है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्छित मिला है तो आजू बाजू के लोगों से सहायता लेनी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति बहुत देर तक CPR नहीं दे सकता है। तो ये डिटेल में मैडम ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है और आगे भी इस प्रकार के वर्कशॉप हम करते रहेंगे जहाँ पर आम जनता को इसके बारे में जागरूक करेंगे कि CPR कैसे लागू किया जाए। जब अपन CPR देते हैं तो बेसिकली चेस्ट के किस हिस्से पे प्रेशर करना होता है? बेसिकली हमारे दोनों चेस्ट के बीच में एक हड्डी होती है जैसे स्टर्नम,
स्टर्नम के नीचे ही आपको CPR स्टार्ट करना है। जब आप ये CPR करते हैं तो आपको ये निश्चित करना है कि आपका जो चेस्ट है जो मरीज का वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे जाए, मतलब 2 से 3 इंच, और 100 से 120 उसकी तीव्रता होनी गति होनी चाहिए। एक मिनट में इतनी बार आपको चेस्ट को कंप्रेस करना है। जो CPR देता है उसको ये कैसे समझ में आता है कि वो जो CPR दे रहा है उसका बेनिफिट मरीज को हो रहा है? ये आप नहीं समझ सकते। आपका सिर्फ काम ये है कि आपको सही तकनीक दे के CPR देना है, क्योंकि अगर तकनीक सही रही तो कई बार आप खुद ये देखिए कि पेशेंट को होश आता है। और अगर आपके आजू बाजू AED होगा तो आपको डिफिब्रिलेटर पैड लगा के भी आप ये देख सकते हैं कि अगर रिदम स्पीड शॉक की जा सकती है कि नहीं। तो कई बार बायस्टैंडर को ये पता करना मुश्किल है कि क्या उसका CPR इफेक्टिव है कि नहीं, लेकिन जब तक आप CPR देते रहेंगे उतना उसका चांस बढ़ जाएगा व्यक्ति के बचने का।